टुडे आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको उन अदाकारों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने टीवी और फिल्म स्क्रीन पर खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए अपने आप को स्मार्ट किया, अपना बढ़ता हुआ वेट कम किया। ये तमाम अदाकार स्किलफुल और कॉन्फिडेंट थे, मगर फिर भी वेट ज़्यादा होने की वजह से इन्हें इंडस्ट्री में बहुत कुछ फेस करना पड़ा। इन्हें बहुत से मेगा प्रोजेक्ट में इसलिए सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि इनका वेट ज़्यादा था, लेकिन फिर इन तमाम अदाकारों ने अपने आप को इंडस्ट्री के मुताबिक फिट बनाया और बहुत से सीरियल में लीडिंग रोल प्ले किया। नंबर वन, अरूसा सिद्दीकी। अरूसा सिद्दीकी का वेट लॉस करना इनके फैंस के लिए बहुत इंप्रेसिव था। ये अदाकार इंडस्ट्री की उन अदाकारों में से थी जो बेहद ओवरवेट थी, मगर उन्होंने जितने भी सीरियल में काम किया ओवरवेट के साथ कॉन्फिडेंटली किया, और अब ये अदाकार हर एक को अपने वेट लॉस के साथ इंप्रेस करती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वेट बढ़ाना मुश्किल नहीं है, बस आपको खाना है और सोना है। उन्होंने बताया कि मैंने वेट लॉस करना बहुत स्लोली स्टार्ट किया था, एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ा था। साथ ही उन्होंने बताया कि वेट लॉस करने के लिए मैंने जिम और योगा रेगुलरली करना शुरू कर दिया। अरूसा सिद्दीकी ने एक महीने में 20 किलो वेट लॉस किया। नंबर टू, फड़याल महमूद। फड़याल महमूद अमेरिका की रहने वाली हैं। जब ये पाकिस्तान एक्ट्रेस बनने के लिए आई तो इनका वेट 96 केजी था। फड़याल महमूद एक इंटरव्यू में बताती हैं कि इनको खाने पीने का बहुत शौक था, यही वजह थी इनके ओवर वेट की। इनको लगता था कि इनका इतना वेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया तो लोगों ने इनके मुँह पर पूछना शुरू कर दिया कि आप इतनी मोटी क्यों हैं, क्या राज है मोटापे का, पतली क्यों नहीं हो जाती। उन्होंने बताया कि जब आप ओवर वेट होते हैं तो आपको खाने पीने पहनने ओढ़ने में भी फिट गिल्ट फील होता है। फिर फड़याल महमूद अपने वेट कम करने के लिए बहुत से घरेलू टोटके करने लगे, फिर उन्होंने तरह तरह की डाइटिंग की। यह सब करने के बाद इनका वेट 86 केजी पर आया था। फिर उन्होंने जिम ज्वाइन किया। इनका कहना था कि एक्टिंग मुझे तब भी आती थी और अब भी आती है, डांस तब भी आता था और अब भी आता है, लेकिन तब कोई देखना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा था। इन्हें अपने आप को पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए फिट प्रूफ करना था और उन्होंने करके दिखाया। फड़याल महमूद ने 86 केजी से 55 केजी अपना वेट लॉस किया। नंबर थ्री, सना फ़खर। सना फ़खर अपने दौर की मशहूर फिल्म स्टार रह चुकी हैं। इनको बड़ी स्क्रीन से कई दफ़ा इसलिए डिसअपेयर कर दिया गया क्योंकि ये ओवरवेट थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे लगता था मेरा वेट कम नहीं हो सकता, लेकिन जब आप पॉजिटिवली किसी काम को करना शुरू कर देते हैं तो हर चीज़ हेल्प आउट करती है, हर चीज़ खुद ब खुद होने लगती है। उन्होंने बताया कि मुझे कई दफ़ा मीडिया में रिजेक्ट किया गया सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी शेप की वजह से। फिर उन्होंने घरेलू टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जिससे इनके वजन में कमी आना शुरू हो गई। उन्होंने अपनी डाइटिंग को बेहतर बनाया, डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज करना शुरू किया। सना फ़खर का कहना है कि मैंने 4 हफ्तों में अपने आप को स्मार्ट और स्लिम बनाया और इसके बाद ऐसे ही खुद को अपनी डाइट को एक्सरसाइज को मेंटेन रखा। नंबर फोर, ईमन खान। ईमन खान ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो एक चपी चाय थी। इनका वेट बहुत ज़्यादा था, फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई इनको ज़रूरत महसूस होती गई कि अपने आप को फिट करने के लिए और अपने आप को स्क्रीन पर खूबसूरत दिखाने के लिए वेट कम करना होगा ताकि बहुत से लीडिंग रोल प्ले कर सकें। ईमन खान ने अपने आप को अट्रैक्टिव बनाया, वेट लॉस किया, अब ये स्क्रीन पर हर जगह नज़र आती हैं। इन्होंने बहुत से लीडिंग रोल प्ले किए। उन्होंने बताया कि इनका वेट कम करने का सीक्रेट अपनी डाइट को लिमिटेड करना है। ईमन खान ने बताया कि उन्होंने 12 से 14 केजी अपना वेट कम किया और अभी तक इसी को मेंटेन रखा है डाइट और एक्सरसाइज के जरिए। उन्होंने बताया कि वो रेगुलरली जिम ज्वाइन नहीं करती क्योंकि इनसे सुबह सुबह उठा नहीं जाता, लेकिन जब इन्हें ज़रूरत महसूस होती है कि वो मोटी हो रही हैं तो वो जिम ज़रूर जाती हैं। नंबर फाइव, अनुशिया बासी। अनुशिया बासी भी काफ़ी हेल्दी थी। इनको भी अपने मोटे होने पर इंडस्ट्री में बहुत कुछ फेस करना पड़ा। इनके ओवर वेट होने की वजह यह थी कि ये फास्ट फूड की बहुत शौकीन थी। उन्होंने एक शो में बताया कि ये आधी रात को फास्ट फूड खाती और फिर सो जाती थी। फिर इनको ज़रूरत महसूस हुई कि अब मुझे अपना वेट कम करना चाहिए ताकि मैं इंडस्ट्री के लिए इम्प्रेसिव बन सकूँ। उन्होंने बताया कि मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है और इसी के ज़रिए मैंने अपना वेट कम किया। मैंने फास्ट फूड की जगह हेल्दी फूड को दे दी और अपनी एक नई लुक क्रिएट की। अब वो लिमिटेड पोर्शन में सब कुछ ही खाती हैं और अपने आप को मेंटेन रखती हैं।
जिससे इनका वेट भी मेंटेन रहता है। नंबर 6 जुगुन काजिम। जुगुन काजिम भी इन बहुत सी अदाकारों में से थी जो ओवरवेट थी, फिर उन्होंने भी अपना वेट कम किया। जुगुन काजिम ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 2 दफ़ा अपना वेट कम किया। उन्होंने बताया कि ये वेट मैंने अनहेल्दी फूड को छोड़कर कम किया, मैंने रेगुलरली एक्सरसाइज करना शुरू की और इन्हीं 2 चीज़ों ने मेरी हेल्प की वेट कम करने में। उन्होंने बताया कि 7 दिनों में से 6 दिन मैं 45 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ और 1 दिन अपनी बॉडी को रेस्ट देती हूँ। नंबर 7 सारा असगर। सारा असगर एक खूबसूरत यंग और स्किलफुल अदाकार हैं जिन्होंने अपना वेट कम किया। सारा असगर ने मॉर्निंग शो में बताया कि मुझे इंडस्ट्री में अच्छा दिखने और लीडिंग रोल प्ले करने के लिए अपना वेट कम करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मेरा वेट 75 kg था, इसे कम करके मैंने 36 किया है। सारा असगर ने बताया कि वह जैतून के तेल की बजाय कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इससे इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। सारा असगर ने भी जिम और एक्सरसाइज के जरिए अपना वेट कम किया और खुद को इंडस्ट्री के मुताबिक बनाया। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।